अगर हम इसको चिकन खिला देंगे ना, ये थोड़ी देर के लिए हमें नहीं काटा, लेकिन जब तक चिकन खा रहा होता है तब तक हमें नहीं काटेगा। दिखाऊं? ये देखो अब ये खा रहा है, खा रहा है। जब तक ये खा रहा है ना, ये हमें नहीं काटेगा। हम अपने बाकी काम कर सकते हैं। जब तक ये खाना खा रहा है ये हमें नहीं काटेगा। जैसे इसने खाना बंद कर दिया ना, ये हमें काट लेगा। तो खलील भागो ना यहाँ से। मोटू तुम करीब से तो देखो। मोटू तुम्हें पता है? क्या पता है मुझे? मोटू तुम्हें पता है ग्रैनी 1 से लेके ग्रैनी 6 तक टोटल कितने कैरेक्टर यूज हुए? अरे यार मुझे कैसे याद होगा, बहुत सारे यूज हुए थे यार, मैं गिन भी नहीं सकता इतने सारे यूज हुए। तो मोटू आज का वीडियो है ना वो इसी बारे में है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, अभी तक अगर हमारे चैनल आई एम खलील को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि वीडियो क्लास में शॉर्टर भी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रैनी की, और ये आ भी गई। अरे वो आ गई तो उसको छोड़ना था ना, उसको मारा क्यों यार? मोटू वो हमें मार देती। ये देखो दांत देखो इसके। ये देखो दांत कितने गंदे ने, ये तो मुझसे भी ज्यादा गंदे दांत हैं। लगता है ये भी बुरिश नहीं करती। ये तो बुरिश बिल्कुल भी नहीं करती मुझे लगता है। मोटू ये देखो अटक गई है बेचारी। ये अटकी क्यों है, ये गिर क्यों नहीं रही? मोटू वो दीवार में अट गई है ना इसलिए। अरे दीवार में अटक गई है, लेकिन इसके दांत तो देखो। कितने डरावने दांत है ना। हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे उसको आने तो दो, ये आ गई, मारो। ये तुमने पहले ही मार दिया। मोटू देखा, पहले उसने हमें देखा फिर वो टपकी है। हाँ यार है, फिर से तुम्हारे कंधे के ऊपर सो रही है, लगता है इसको तुमसे प्यार हो गया है। ग्रैनी खलील से प्यार मत करो, वो बहुत कोझा है। मोटू ये कितनी डरावनी है यार। हाँ ग्रैनी तो डरावनी है, लेकिन तुम भी डरावने हो, और ग्रैनी को तुमसे प्यार हुआ है, देखो कितनी कमाल की बात है ना। मोटू के बच्चे? मैं मोटू का बच्चा नहीं हूँ, मैं मम्मी पापा का बच्चा हूँ। मोटू अभी ग्रैनी को ना कुकिंग करनी है, वो देखो आ रही है। हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, ग्रैनी गेम में ग्रैनी कुकिंग भी करती है। हाँ मोटू अभी वो कुकिंग करेगी, खाना बनाएगी देखना। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होता, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। मोटू अभी देखना, वो देखो क्या कर रही है, वो बर्तन धो रही है। हैं वो देखो, अरे देख लिया उसने, भागो 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 यार, सच्ची में कुकिंग करती है। तो दूसरा करेक्टर है वो है ग्रैंडपा, वो देखो इस बेचारे को ना सुनाई कम देता है, और ये बहुत ही बेवकूफ है। हैं वो क्यों? मोटू देखो यार हम उसके पीछे पीछे से जा रहे हैं, उसको पता भी नहीं है। हाँ जब उसको पता चलेगा ना, वो तुम्हारी बैंड बजा देगा, देख लेना। मोटू ये पता है कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ये किचन में जा रहा है। क्यों, इसको भूख लगी है? यार भूख नहीं लगी, ये किचन में जाके डांस करेगा। अरे किचन में कौन डांस करता है? मोटू इसलिए तो मैं कह रहा था ये बेवकूफ है, पागल है, इसको कोई अक्ल नहीं है। अच्छा अच्छा अभी देखते हैं वो डांस करता है। हाँ मोटू अभी देखना डांस करेगा। ये देखो डांस कर रहा है। ये देखो ओहो क्या डांस कर रहा है मोटू, देखा तुमने? हाँ वो आ रहा है, बच गए। वो पीछे मुड़ा हो तुमने उसको मार डाला। मोटू ग्रैंडपा है ना, वो एक तो सोता रहता है, ग्रैनी 2 में भी सोता है, ग्रैनी 3 में भी सोता है, और देखो यहाँ पे भी सो गया। कहाँ, ये देखो गन उठा लो। हाँ 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 उठा लो, ये सो रहा है, इसको जगाओ ना। मोटू जगाना मत, वरना ये हमें मार डालेगा। ग्रैंडपा खराटे क्यों मार रहे हो? अरे वो बुड्ढा है, बुड्ढे जब सोते हैं तो खराटे मारते हैं। है मतलब तुम भी बुड्ढे हो, तुम भी खराटे मारते हो खलील, मैंने सुना था रात को। मोटू मैं खराटे नहीं मारता। अरे सच्ची में मारते हो? मोटू मैंने कहा था ना ग्रैंडपा को कम सुनाई देता है। हाँ कहा था। अब देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, हम इसके पीछे पीछे से जाएंगे, इसको पता भी नहीं चलेगा। अरे वो मार देगा। मोटू नहीं पता चलेगा। अरे खलील उसके पास गन भी है, वो गन से मारेगा। यार मोटू उसको पता ही नहीं चलेगा ना, जब तक उसको पता चलेगा तब तक हम भाग जाएंगे। ग्रैंडपा हम पीछे आ रहे हैं। हाँ ग्रैंडपा हम पीछे आ रहे हैं। ग्रैंडपा पीछे मत देखना। ग्रैंडपा देखो देखो खलील को मारो, ग्रैंडपा मारो 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 और ये मारो मारो।
गोली लगी खलील को। और पता है मोटू, इसके पास ना एक गन है, ग्रैंडपा के पास गन है, और वो जो भी ना कभी भी गेम खेलते हैं ना, वो गन बेचारे से छीन लेते हैं। अब देखो वो बेचारा जा रहा है, जा नहीं रहा था, वो रुक गया था बेचारा, और तुमने गन भी ले लिया और बेचारे को टपका भी दिया। खलील के बच्चे तुम कितने बुरे हो यार, वो बेचारे को मार डाला तुमने। मोटू ये गेम है, और दूसरा ये देखो ग्रैंडपा हमें गोली मारने वाला था, अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मार देता। अरे कोई नहीं, ये बुड्ढा बाबा तुम्हें क्यों मारता है यार, तुम इसके थोड़ी ना दुश्मन हो। मोटू उसको छोड़ो, इसका एक दांत है, वो देखो बेचारे के पास एक ही दांत बचा है। हाँ यार बेचारे के तो दांत भी नहीं है, वैसे ही तुमने इसको मार डाला। तो तीसरा कैरेक्टर है वो है सिलेंड्रीना का। तो ग्रैनी वन में एक तो सिलेंड्रीना है और एक ग्रैनी थ्री में सिलेंड्रीना है। तो हम ग्रैनी वन का सिलेंड्रीना मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये टेडी बेयर कहाँ लेके जा रहे हो? मोटू जब हम सिलेंड्रीना को टेडी बेयर वापस करते हैं तभी वो नजर आता है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। वो बेचारी कैद है। वो कहाँ पे कैद है? वो एक झूला है वहाँ पे कैद है, और इस सिलेंड्रीना की जो आत्मा है वो इस टेडी बेयर के अंदर है। जब हम झूले के ऊपर टेडी बेयर डालते हैं ना तो सिलेंड्रीना आ जाती है। वो नहीं आई? आएगी आएगी, ये देखो आ भी गई। व्हाट अ ब्यूटी यार, कितनी खूबसूरत है ना ये सिलेंड्रीना। मोटू तुम इसे शादी कर लो। ये पक्का करेगी मुझसे शादी? सिलेंड्रीना तुम मुझसे शादी करोगी? सिलेंड्रीना शादी करोगी? अरे ये तो गायब हो गई। तो ग्रैनी थ्री में भी एक सिलेंड्रीना है, उसके लिए भी हम टेडी बेयर लेके जा रहे हैं। वापस से नजर आएगी ना? अरे ये क्यों आ रही है? मोटू जब हम टेडी बेयर को उठाते हैं तो ग्रैनी ग्रैंडपा हमारे पीछे पीछे लग जाते हैं, तो हमें उनसे ना बचते हुए जाना है और सिलेंड्रीना को टेडी बेयर वापस करना है। हाँ हाँ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और टेडी बेयर जब हम झूले में रखेंगे तो पता है क्या होगा? अरे मुझे पता है, सिलेंड्रीना की आत्मा है ना उसको शांति मिलेगी। हाँ ना? हाँ उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो जल्दी से जाते हैं और सिलेंड्रीना के टेडी बेयर वापस करते हैं और झूले में डालते हैं। और ग्रैनी थ्री में क्या होता है कि यार सिलेंड्रीना को जब टेडी बेयर वापस करते हैं तो गिफ्ट में कुछ ना कुछ दे देता है। सिलेंड्रीना तुम गिफ्ट में ना अपना मुझे दिल दे दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे मोटू उस बिचारी के पास दिल नहीं है, वो भूत नहीं है। और देखो हमें सेफ की मिला। यार मुझे शादी करनी थी। तो ग्रैनी में ना एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है ग्रैंड माँ भी कहते हैं उसको, और या ग्रैनी की बॉडी भी कोई उसको कहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक बुक चाहिए होता है, वो बुक लेके जाते हैं। और यार ये बुक रखना पड़ता है। और यहाँ पे ये बटन को दबाना पड़ेगा तो वो वाला खुल जाएगा। और ये एक मिनट दबाना तो दो, ये देखो ये बटन को दबाएंगे ना और ये खुल गया। और यार यहाँ पे बुक रखेंगे और ये ग्रैंडमा आने वाली है, देखना। ये देखो ग्रैंडमा आ गई है। हैं कितनी काली बॉडी हो गई है, लगता है इसको फेयर लवली लगानी पड़ेगी, गोरी हो जाएगी। ये भूतनी है, इसको तुम फेयर लवली कैसे लगाओगे, पागल हो क्या? मुझे लगता है ये ग्रैनी की बॉडी है, डेड बॉडी है। हाँ मोटू कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। वो क्यों? मोटू ग्रैनी फोर में भी ग्रैंडमा नजर आती है अलग से, क्योंकि ग्रैनी भी अलग है तो ये भी अलग है, तो ये हुई अलग से ग्रैंडमा। अगर ये दोनों एक होते तो एक साथ नजर नहीं आते। हाँ हाँ यार ये तो बात सच्ची है तुम्हारी, ये दोनों अलग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों अलग हैं। हाँ मोटू ये देखो ग्रैंडमा हमारे पीछे पीछे आ रही है, तो इससे पहले कि ये हमें पकड़ ले जल्दी से लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। और वो देखो लिफ्ट के अंदर आ रही है। भागो खलील भागो 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 भागो। हाँ भाग गए। मोटू ग्रैनी ग्रैंडपा का एक पेट भी है जिसको ना ग्रैनी ग्रैंडपा ने बहुत प्यार से पाला हुआ है, वो देखो वहाँ पे कभी इसको खाना खिलाते हैं कभी इसको प्यार करते हैं। अरे वो क्या कर रहा है? मोटू मुझे लगता है वो कुछ खा रहा है। अरे वो आ रहा है यार, उसने काट लिया। हाँ मोटू जब हम वैसे ही जाते तो वो हमें काट लेता है। फिर हम क्या करें, वो फिर से आ जाएगा। अरे आ रहा है, भागो 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 भागो। बच गए। मोटू अभी गन लेके आता हूँ, इसकी बैंड बजाता हूँ। तो गन लेके आया हूँ मैं, अब इसको टपकाएंगे, इसको करंट मारेंगे। लेकिन जब हम इसको करंट मारने लगते हैं ना तो ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाते हैं, लेकिन अभी ग्रैनी है ना उसको हमने पहले ही टपकाया हुआ, तो ग्रैनी नहीं आएगी लेकिन ग्रैंडपा आ जाएगा। अरे तुमने तो सच में टपका दिया यार, ग्रैनी तो पहले ऊपर टपक गई है, तो ग्रैंडपा आने वाला है ना? हाँ मोटू जब इसको टपकाते हैं तो ग्रैनी ग्रैंडपा को गुस्सा आता है, दोनों आते हैं,
लेकिन अब भी आएगा ग्रैंडपा। ग्रैनी तो बेचारी पहले ही मर चुकी है, हमने उसको पहले ही ऊपर टपका दिया। और ये देखो आ गई, ओ इसका आंखें भी रेड हो गई थी। हाँ यार, ओ देखो तुमने सच में टपका दिया यार इसको। हाँ मोटू, मजा आया ना? हाँ यार सच्ची बहुत ज्यादा मजा आया, बेचारे को देखो अभी तक सोया हुआ है। और पता है मोटू, हम पेट को खाना भी खिला सकते हैं और वो हमें काटेगा नहीं थोड़ी देर के लिए। ये चिकन मैं खाऊं चिकन, ये मैं खाऊं इसको मत दो, मुझे दो खाली। यार चुप हो जाओ, ये देखो करीब से देखो कितना डरावना है ना। हाँ यार बहुत डरावना है सच्ची में, इसको चिकन मत खिलाओ, मुझे खिलाओ ना। मोटू तुम्हें बाद में चिकन खिला दूंगा, अभी देखो ये बेचारे को कितनी भूख लगी है, और जब तक हमारे हाथ में चिकन होगा ना ये हमें काटेगा नहीं। फिर अगर हम इसको चिकन खिला देंगे ना, ये थोड़ी देर के लिए हमें नहीं काटा, लेकिन जब तक चिकन खा रहा होता ना तब तक हमें नहीं काटेगा। दिखाऊं? ये देखो अब ये खा रहा है, जब तक ये खा रहा है ना ये हमें नहीं काटेगा, हम अपने बाकी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसने खा लिया और फिर से काट लिया, अब क्या होगा कलील, तुम मरने वाले हो ना। हाँ जैसे ही हमें काटता है तो पीछे से ना ग्रैनी ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। कहाँ ग्रैनी ग्रैंडपा? अरे मोटू तुमने नाम लिया, वो आ भी गए। अरे यार मोटू नाम नहीं लेना था, ये देखो यार मोटू ग्रैनी वन में ना एक स्पाइडर भी पेट है, तो वो यहाँ पे रहता है, उसको बुलाओ ना। मोटू जब उसको बुलाएंगे ना वो हमें टपका देगा, तो तुम उसको टपकाओ ना। मोटू मेरे पास गन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। पक्का हम मरेंगे लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम जैसे ही उसके करीब से आते हैं ना वो पीछे से आ जाता है। वो नहीं आया। वो अभी आएगा। वो नहीं आया। वो अभी आएगा, ये देखो आ भी गया और ये टपका दिया हमें। यार मोटू हम स्पाइडर को ना खाना खिला सकते हैं, और जैसे ही वो खाना खा रहा होगा तो तुम उसको करीब से देखना। हाँ ठीक है मैं उसको बिल्कुल करीब से देखूंगा। ठीक है हाँ ठीक है अभी ये खाना रख दिया ना, अब स्पाइडर आएगा देखना। ये देखो जब तक ये खाना खा रहा है ये हमें नहीं काटेगा, जैसे इसने खाना बंद कर दिया ना ये हमें काट लेगा। तो खलील भागो ना यहाँ से। मोटू तुम करीब से तो देखो। अरे देख लिया, भागना था। मोटू ग्रैनी ग्रैंडपा का एक और पेट है, वो है क्रो कवा। तो वो देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे रहता है, इसके पास चीजें पड़ी होती है लेकिन ये हमें देता नहीं है। नहीं दे रहा उसने काटा तुम्हें, दोबारा काटा। पता है क्या, अगर हम क्रो को ना खाना खिलाएंगे तो वो हमें काटेगा नहीं, और उसके पास जो चीज़ है ना हम वो ले सकते हैं। जैसे इसके पास ये चीज़ है ना, ये नहीं दे रहा ना, हम इसको खाना खिला सकते हैं। अभी आएगा यहाँ पे देखना। ये तो सच्ची में आ गया। हाँ मोटू ये खाना खा रहा है। अरे उसने खा लिया और वापस भी चला गया। कोई बात नहीं, हमने दोबारा खाना रख दिया तो अब हम उसके पास जो चीज़ है ना वो ले सकते हैं। अब देखो ये खाना खा के वापस चला जाएगा, लेकिन हमें चीज मिल गई है और सिंपल हम जीत गए। वाओ ये क्या हुआ, ग्रैनी भी आ गई पीछे से। मोटू एक क्रो तो ग्रैनी थ्री में भी है, वो भी सेम ही है, उसके पास भी चीजें पड़ी होती हैं, वो लेकिन वो देता नहीं है। जैसे कि ये देखो। हाँ ले लो फिर से काटा। अभी इसको टपकाता हूँ देखना, ये काटता है ना, ये देखना अभी इसको टपकाऊंगा, ये फिर इसके पास जो चीजें वो ले लेंगे। बेचारे को मार डाला खलील, तुम कितने जालिम हो यार। मोटू तुम्हें पता है ग्रैनी फार्म में, यानी कि ग्रैनी फार्म में भी एक क्रो है। हाँ मैंने देखा था, वो गेम तो मैंने खेली भी हुई है। ये है ना। हाँ मोटू ये देखो ये आजाद है, बाकी ग्रैनी वन और ग्रैनी थ्री वाला पेट है ना वो क्रो है ना वो आजाद नहीं है, लेकिन ये आजाद है, ये पिंजरे में नहीं है। ये फिर भागता क्यों नहीं है? मोटू ये पेट है ना इसलिए नहीं भागता, ये यहीं पे रहता है। हैं सच्ची? हाँ मोटू अब देखो ये नीचे उतर आया। ओ ये नीचे, इसके पास खाने को भी कुछ नहीं है बेचारे के पास। मोटू यहाँ ग्रैनी फार्म में ना ये हमें फंसा देती है, ये कैं करती है और ग्रैनी पीछे से आ जाती है। ये अभी तो कैं नहीं कर रही ना। यार मोटू तुम क्यों चाहते हो कैं करे, पीछे से ग्रैनी आएगी वो हमें मार देगी, इससे पहले कि ग्रैनी हमें मारे ना हम चलते हैं। तो दोस्तों हमारा गेम भी यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों आज का शाउट जाता है, वो जाता है गेमिंग अयान को, पूजा को और यार मनोगिया सिंह को। तो अगर तुम्हें भी शाउट चाहिए तो हमें आज की वीडियो का कोई बेस्ट सा डायलॉग बताओ या कोई अच्छा सा सीन बताओ, तो क्या पता यार अगले वीडियो में तुम्हें भी शाउट मिल जाए। तो लाइक करो, कमेंट्स करो और या सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन दबा देना,
क्योंकि मुझे जाना है 1.5 मिलियन पे जल्दी, तो जल्दी से यार 1.5 मिलियन कर दो क्योंकि मुझे Q&A वीडियो बनानी है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करो यार। तो आज के लिए इतना ही, बाय।